नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। ये रुख करते हैं आज की तमाम खबरों पर। पुलिस अधीक्षक रेलवे संदीप कुमार मीना के द्वारा चलाए जा रहे अपराध एवं अपराधों के विरुद्ध अभियान के क्रम में जनपद गोंडा में अरविंद कुमार शर्मा थाना जीआरपी गोंडा के नेतृत्व में थाना जीआरपी गोंडा पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर रात्रि में प्लेटफॉर्म नंबर 4 के पूर्वी जंक्शन बोर्ड के पास एक बाल अपचारी जिनके कब्जे से चांदी की गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा बरामद हुई है, वह एक सिंहासन जीआरपी पुलिस ने बरामद किया है। पूछताछ के दौरान बालक ने कहा कि इसकी चोरी में गोरखपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास से घर में घूमकर किया था तथा वहीं पर एक व्यक्ति सो रहा था, उसी के पास रखा एक बैग था जिसको लेकर उसके पास में रख दिया। वहां से फिर मैं आया स्टेशन पर, ट्रेन का इंतजार कर रहा था। ट्रेन मिलने के उपरांत में गोंडा स्टेशन पहुंचा और बेचने का प्रयास किया, ना बिकने पर बलरामपुर जाने वाली ट्रेन का इंतजार कर रहा था। तभी मेरी आंखें खुल गई और मैं सो गया। अभी जीआरपी गोंडा द्वारा मेरे जामा तलाशी ली गई और जांच के उपरांत सामने आया है कि बालक नशे का आती है। गोरखपुर अनुभाग जीआरपी के अंतर्गत आने वाले थाना जीआरपी गोंडा के द्वारा रात्रि को गोंडा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर रात्रि चेकिंग की जा रही थी, जिसमें एक बाल अपचारी पकड़ा गया जिसकी तलाश की गई। पूछताछ की गई तो उसके पास से करीब 840 ग्राम सफ़ेद धातु की कुछ मूर्तियाँ बरामद हुई, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 1.25 लाख रुपए है। उसके अलावा उसके पास कुछ नकदी भी बरामद हुई है। पूछताछ में उसने बताया कि ये सब मूर्तियाँ उसने गोरखपुर में रेलवे कॉलोनी के पास से चोरी की थी और इस चोरी की हुए सामान को लेकर वह गोंडा वाली ट्रेन में बैठकर यहाँ पे आया और वो बलरामपुर जाने वाला था इसको बेचने के लिए। पूछताछ के बाद मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।